सॉरी गाइज, थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि अब आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनपुट यूनिट में वो सभी इनपुट डिवाइसेस अटैच्ड हैं जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर को यानी सीपीयू को इंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूज़र जो इन्फॉर्मेशन है या इनपुट जो भी है इंस्ट्रक्शन, वो सीपीयू को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, सीपीयू जो है वो ALU, CU और मेमोरी की हेल्प से उसको प्रोसेस करके एक सुव्यवस्थित या स्पेसिफ, आप कह सकते हो स्पेसिफाइड रिजल्ट आउटपुट यूनिट में जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकता है। अब बात करते हैं कि आप देख रहे हो कि इनपुट यूनिट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं, आप इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इनपुट यूनिट में आपकी जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट या प्रमुख कह सकते हो कि जो डिवाइसेस हैं, वो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस की डिफिनीशन क्या हुई? इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस बाई विच वी कैन इंस्ट्रक्ट टू द कंप्यूटर। यू कैन से फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस वी कैन इंस्ट्रक्ट और वी कैन इनपुट टू द सीपीयू। ओके, अब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू करता है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है आप इनपुट देते हो, वो सीपीयू को देते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो बेसिक